आपके पास Redmi A1 है, A2 है या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर स्पैम कॉल प्रोटेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉड कॉल आप अपने फ़ोन से कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना है डायलर पे। डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से आएगा, तो 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेटिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉलर ID स्पैम, इस पर जाना है। ये वाला ऑप्शन को आपको इनेबल करके फिर दूसरा ये दिखेगा फिल्टर स्पैम कॉल, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको करना क्या है, बैक करना है। बैक करने के बाद एक और सेटिंग होती है जो कि यहाँ पर आपको दिख जाती है ब्लॉक नंबर के अंदर, इसमें जाके ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको ऑन कर देना होता है। इससे ऑन करने से क्या होता है कि जिनकी ID आइडेंटिफाई नहीं हो पाती वो भी आपके फ़ोन से ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए इसको इनेबल करने पड़ता है, वरना अगर आप बंद करना चाहो तो भी आपका बंद हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।